नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रेम और पतझड़ का महीना फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत। पंजाब के फाजिलका में एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा इतना गोरा था कि माता पिता ने प्यार से उसका नाम रखा लॉरेंस, यानी एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। माता पिता को लगता था कि बेटा खेल में देश का नाम रोशन करेगा। उन्हें क्या पता था कि बेटा एक दिन जुर्म की काली दुनिया में वो नाम कमाएगा कि अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन उसके सामने छोटे नजर आएंगे, जिसका नाम रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस तक कैश करेगी। आइए जानते हैं दुनिया भर में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। एक अक्टूबर 1998, कंकाणी जंगल, जोधपुर। छब्बीस साल बाद 12 अक्टूबर 2024, बांद्रा, मुंबई। इस कहानी के जितने सिरे हैं सब के सब उलझे हुए हैं, जिसमें एक सिरा गुजरात की साबरमती जेल से जुड़ता है तो दूसरा मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले सितारे को चुभता है, तीसरा कनाडा में बैठे गैंगस्टर के नेक्सस से मिलता है तो चौथा यूपी के शूटर्स की पहेली में उलझता है, पांचवे सिरे से गैंग्स की अलग अलग कड़ियां निकलती हैं जो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में ले जाती है। दहाई के पार इस कहानी में सैकड़ों किरदारों और जगहों का एक भ्रमजाल दिखता है, मगर एक तथ्य है कि 26 साल पहले जंगल में चली गोलियों से दो हिरण मारे गए थे। 26 साल बाद चलाई गई गोलियों से बाबा सिद्दीकी की जान ली गई। राजस्थान और महाराष्ट्र में हुए इन दो गोलीकांड का पंजाब के इस तुतार वाली गांव से अजीब सा रिश्ता है। ये काला हिरण उसी रिश्ते की निशानी है। इसी काले हिरण की मान्यताओं से बंधा बीकानेर का ये मंदिर एक माफी के इंतजार में है। तुतार वाली की गलियां, खेत खलिहान और ये खेल का मैदान भी उसी इंतजार में है। 26 साल लंबे इंतजार के बाद भी यहाँ के लोगों को यकीन है कि कंकाणी जंगल गोलीकांड की माफी मांगने एक सुपरस्टार एक न एक दिन बीकानेर की खाक छानने जरूर आएगा, जिसके बाद दुतार वाली में जश्न होगा, क्योंकि ये दुतार वाली लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। वही लॉरेंस बिश्नोई जो आज की तारीख में दुनिया भर में कुख्यात है। सलमान खान इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैंने हिरन मारा है को तो सर हर एक बिश्नोई मारना चाहता है, उसका अहंकार बहुत है। काले हिरन की बात आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस। लॉरेंस की और सलमान की कोई दुश्मनी नहीं। लग्जूरियस लाइफ लोग कहते हैं कि जीता है, मैंने तो हमेशा उसको सादा ही जीवन जीते हुए देखा है। पूजा करता है, अनमोल भी पूजा करता है, पाठ करते हैं वो। तो इसने वहाँ पे मंदिर स्थापित करवाया। ये फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, He was too young, 18 साल का बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। कितने और कैसे कैसे विरोधाभास हैं? लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में थे, क्या ये सच है? लॉरेंस गर्लफ्रेंड के लिए गैंगस्टर बना, क्या ये अफसाना है? लॉरेंस के तीन नाम की हकीकत क्या है? लंगोट पहनने वाला डॉन कभी खुद असला क्यों नहीं छूता? लॉरेंस को जानने वाले जितने हैं
वो सब उसकी अनोखी कहानी सुना रहे हैं। मगर संगीन दफाओं में साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम रिकॉर्ड कुछ और ही बता रहा है। 31 साल के गैंगस्टर की क्राइम कुंडली छटे हुए डॉन को भी बौना साबित करती है। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई 79 मुकदमाधारी है, जिसमें 49 केस अब भी अंडर ट्रायल हैं। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, खालिस्तानी सुखा दुने के, कनाडा के खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर और करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस लॉरेंस गैंग के कारनामे के तौर पर गिने जाते हैं। लेकिन लॉरेंस जिस थ्रिलर स्टोरी से सबसे ज्यादा कुख्यात है वो फिल्म स्टार सलमान खान की है, जिसका ओपन ऐलान लॉरेंस ने जोधपुर में कुछ यूं किया था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी 6 साल पहले दी गई लॉरेंस की धमकी को पहले तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा गैंगस्टर बनता गया उसके हमसाए मुंबई में सलमान के बेहद करीब पहुंचने लगे। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूटरों ने जब गोलियों की बौछार की, तब लॉरेंस के रुतबे का पहली बार एहसास पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हुआ। इसके बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया। The number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity I mentioned previously, the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. ये दुतार वाली गांव की पुरानी वोटर लिस्ट है। 46 नंबर पर लॉरेंस की डिटेल लिखी है। लॉरेंस की गांव में बड़ी इज्जत है, उसके खानदान का बड़ा नाम है, परदादा की समाधि है, 120 किले की खेतीबाड़ी है। दादा के नाम पे यहाँ पे और क्या तो धर्मशाला चल रही है, अब और क्या तो चौक पे जाके देखो। यहाँ के ऊपर हमारी बिश्नोई कम्युनिटी मेनली यहाँ पे रहती है सारी, और ये हमारे 16 गांव हैं यहाँ पे तहसील में आसपास, जो सारे मेनली बिश्नोई कम्युनिटी के रहने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं। गांव में दोस्त और रिश्तेदारों की जुबान पर लॉरेंस के किस्से हैं, उसको लेकर अपने दावे हैं। लॉरेंस के बचपन के दोस्त, सहपाठी, पड़ोसी लॉरेंस के शौक, उसकी पसंद नापसंद पर खुलकर बातें करते हैं। ये लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई हैं। इनकी शिकायतें उनसे है जो लॉरेंस को डॉन और गैंगस्टर कहते हैं। रमेश बिश्नोई लॉरेंस को बिश्नोई समाज का बलिदानी बताते हैं। देखो डॉन हम अच्छा नहीं समझते, क्यों, हम उस समाज से हैं जिस समाज ने अपने प्राणों की आहुति 363 नर नारियों ने अरे दरख्तों के लिए दी, और वो समाज है जो समाज आज हिरणों के लिए भी अपना बलिदान दे रहा है, हिरणों को बचाने के लिए और हर जानवर को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। दुतार वाली गांव में लॉरेंस के शूटर सचिन बिश्नोई थापन का भी घर है, ये उसकी माँ है। इकलौते बेटे के लॉरेंस गैंग का मेंबर बनने के बाद इनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत बेटा बिना तो सारी है, बेटा बिना तो धरती को छेड़ो है। अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, खेलता था यहाँ पे ग्राउंड में, घोड़सवारी का उसे शौक था, आगे जाके जो भी हुआ है उसका उसे पता है या भगवान को पता है? वैसे भी वो घर से राजा आदमी है, क्या दिक्कत है? इतनी जमीन है, 120 किले लगभग जमीन है, और सर वो भी सारी पंजाब की नहरी जमीन, तीन तीन फसलें उठाते हैं। मतलब हमारे परिवार के अंदर कोई किसी पुलिस के अंदर कोई लगा हुआ नहीं है। लॉरेंस के जो फादर है वो मेरे साथ पढ़ते रहे, तो उसके बाद जो है वो स्कूल छोड़ के, क्योंकि अकेले थे, इनके पास 110 किले जमीन दुतारा वाली की पुश्तैनी अपनी जमीन है, तो वो खेती कराने लग गए। तो दुतार वाली गांव के लोग लॉरेंस को रॉबिन हुड बता रहे हैं, उस पर लगे इल्जाम को बेबुनियाद और लॉरेंस को बेगुनाह मान रहे हैं। लेकिन सच इतना भर नहीं,
गांव से निकलने के बाद लॉरेंस के कदम जुर्म की काली दुनिया में पड़े। देश का एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई को देश का नया हिंदू डॉन कह रहा है, तो कोई उसे देशभक्त। आखिर एक गैंगस्टर को इतना नेम फेम कैसे मिल रहा है और क्यों? चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में लॉरेंस पर दादागिरी जमाने की सनक सवार हुई। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में मिली हार के बाद लॉरेंस ने विरोधी गुट के स्टूडेंट लीडर का घर फूंक दिया था। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार जो गिरफ्तार किया था वो 2010 की बात है। एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज पुसू और सोपू, इनका आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें विक्की मिदु खेड़ा, जो अब जिसकी डेथ हो चुकी है, वो अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होने के बाद जो दूसरी पार्टी थी उदय वड़िंग, तो उसकी गाड़ियों को उसके घर में जाके इन्होंने आग लगाई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का फर्स्ट टाइम नाम फिगर हुआ था सेक्टर 11 चंडीगढ़ में। टीनेज में लॉरेंस ने जो तांडव मचाया उससे वो पूरे चंडीगढ़ में चर्चा में आया। वजह उसकी 14 दिन की जेल रूटीन थी। कॉलेज में रंगदारी जमाने के लिए कभी मारपीट, कभी अवैध हथियारों के चलते लॉरेंस जेल जाता आता। इस बीच लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से स्टडी कर कई होनहार छात्र भी निकले जो आज देश में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे छात्र भी थे जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और छात्र राजनीति में भी अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने जुर्म की दुनिया में जो डंका बजाया उसका आतंक आज पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, लकी पटियाल, संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। सेकेंड ईयर में लॉरेंस की कानूनी पढ़ाई का द एंड हो गया था। उसकी ईसा ड्रॉप हो गया था उसका, क्योंकि वो एफआईआर हो गई थी। एफआईआर हो जाने की वजह से वो अंदर चले गए और फिर बाद में स्टडी जो छूट गई। उसने एफर्ट भी किया था अंदर से, जेल से भी ट्राई की थी, फिर जेल से वो स्टडी का वो तो रूटीन रेगुलर नहीं रहा। 2010 से 14 के बीच की जेल यात्रा में लॉरेंस को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में अपना आका मिल गया। इसकी मेन जो ग्रूमिंग इन द जेल एज अ क्रिमिनल हुई है वो तब हुई है जब ये बुड़ैल जेल में गया, तो इसके जो फाजिलका का एक नामी गैंगस्टर था जिसने बाद में इलेक्शनों में भी लड़ी थी, जसविंदर सिंह एलियस रॉकी, फिर जयपाल सिंह, शेरा खुब्बन और अमनदीप सिंह देवड़ा, हरिंदर सिंह टीनू, हरजोत सिंह, ये सारे उस टाइम हाईवे रॉबर्स के नाम से जाने जाते थे और जेल में थे। जब ये इनसे मिला और इनके साथ रहने लग गया तो इनके साथ रहने के साथ ये अपने आप को क्राइम में भी उतना ही प्रमोट करता रहा, प्रमोट होता रहा और इनके साथ ही रहने लग गया। जब बाहर आता था ये बंदे जेल में थे, इनके लिए हल्का फुल्का काम करता रहा और इनके साथ टच में रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे, इन सबकी डब डेथ हो चुकी है, जसविंदर सिंह रॉकी की डेथ हो चुकी है, जयपाल की डेथ हो चुकी है, शेरा खुबन की डेथ हो चुकी है, और सबकी डेथ हो चुकी है, ही इज दी ओनली वन अलाइव। 2014 में अमनजोत सिंह ने आखिरी बार लॉरेंस को लॉकअप में डाला था, तब से वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जेल में बैठकर लॉरेंस ने अंडरवर्ल्ड की ऐसी क्राइम कंपनी तैयार की जिसकी कारगुजारियों ने कई मुल्कों की पुलिस को दहला दिया। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस का कद ऊंचा होता गया। दुनिया के कई देशों में उसने जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आखिर कैसे लॉरेंस का गैंग काम करता है? पाकिस्तान तक आखिर कैसे लॉरेंस तक हथियार पहुंच रहे हैं? और लॉरेंस से जुड़ी कहानियों की क्या हकीकत है, आइए ये भी जानते हैं। पंजाब की बुड़ैल और भटिंडा जैसी जेलों में लॉरेंस गैंग में नए नए मेंबर जुड़ते गए। गैंग बड़ी हुई तो लॉरेंस के कांड भी बड़े होते गए। करीब 1000 शूटर्स की लॉरेंस की गैंग दुनिया में कहीं भी खून खराबे की सुपारी लेने लगी। देश के 11 सूबे और दुनिया के 6 देशों में लॉरेंस के जुर्म का साम्राज्य कायम हो गया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार,
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड और गुजरात में लॉरेंस के शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क है। कनाडा, पंजाब और दिल्ली की कमान लॉरेंस ने अपने सबसे खास गोल्डी बराड़ को दे रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका का सारा काम रोहित गोदारा देखता है, जबकि पुर्तगाल, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्राइम अनमोल बिश्नोई करवाता है। हरियाणा और उत्तराखंड में लॉरेंस की गैंग को काला जठेड़ी चलाता है। पूरी गैंग सीधे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को एक एक काम की डिटेल भेजती रहती है। 35 साल के इस नए डॉन ने दाऊद इब्राहिम को जुर्म की दुनिया में कहीं पीछे छोड़ दिया। आज लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क हिंदुस्तान के 11 से ज्यादा राज्यों और 60 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है। इंटरोगेशन में ये बात सामने भी आई थी कि एमपी के सितलीगढ़ जो वेपन बनाते हैं वो भी अरेस्ट हुए थे, जो इनको ह्यूज अमाउंट में आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो सोफिस्टिकेटेड है, नॉट इंपोर्टेड वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं। लॉरेंस के अंडरवर्ल्ड में सबसे असरदार टूल सोशल मीडिया है। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आने के बाद लॉरेंस की एक अनोखी बात भी जमाने के सामने आई, और वो ये कि लॉरेंस ने जिंदगी में महज एक बार पिस्टल पकड़ी है, लेकिन तेज दिमाग लॉरेंस अपनी लाइफस्टाइल से पुलिस वालों को भी दंग कर देता है। बहुत गैंगस्टर्स के केस आए हैं, मैं बहुत कम लोग देखे हैं कि जो हर हाल में खुश हों। इसको पुलिस स्टेशन में बेशक इसको जमीन पे लिटा लो, बेशक इसको बेड दे दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि जो मैं कहूँ कि हाँ इनके साथ बात करके या इनसे मिलके कोई गैंगस्टर जैसी फीलिंग्स आती हैं या किसी से डर लगता है। कसरती बदन, उस पर ब्रांडेड कपड़े, नुकीली मूछें, करीने से तराशी हुई दाढ़ी, हैंडसम हंक की यही इमेज लॉरेंस को टीनेजर्स का फेवरेट बनाती। लॉरेंस के बड़े कारनामे का एक सबूत ये वीडियो कॉल भी है, जिसमें लॉरेंस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट से गप्पे मार रहा है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी है। नहीं नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो कॉल शहजाद भट्ट ने अपलोड की थी। जेल में बैठा डॉन लॉरेंस क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि लॉरेंस के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं। 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस के दुश्मनों की गैंग ने जबरदस्त झटका दिया था। यूथ अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह और विक्की मिद्दू खेड़ा को मोहाली के सेक्टर 71 में 20 राउंड फायर करके शूटर्स ने भून दिया था। विक्की को लॉरेंस अपना बड़ा भाई मानता था, जिसका बदला 29 मई 2022 को लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठ कर लिया। जगह थी पंजाब के मनसा का गांव जवाहर के। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर 30 राउंड गोलियों से भून दिया गया। लॉरेंस गैंग का ये सबसे कुख्यात हत्याकांड था, जिसके तार इंटरनेशनल गैंगस्टर से सीधे जुड़े थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए पहले 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को भेजा गया था। मर्डर की प्लानिंग में 50 लाख रुपए का खर्च आया था। साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस गैंग ने तैयारी की, 2 करोड़ रुपए खर्च कर हथियार जुटाए गए, फिर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतरवा दिया गया। लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था कि तेरे भाई की मौत हो गई, किसी ने मार दिया दूसरे गैंगस्टर्स ने, तो आपने उसका क्या किया, तो इस पे उस चीज का बहुत प्रेशर था। समहाउ इन्होंने अपने लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन की या अपने लेवल पे पता किया, जेलों में जो बातें होती हैं अभी उसके पीछे इसका हाथ है, उसके पीछे इसका हाथ है, इनको ये लगा कि इसके पीछे सिद्धू का हाथ है और सिद्धू ने दूसरे जो गैंग्स हैं उनके साथ हाथ मिला के ये काम करवाया, तो इस कारण इनकी जो दुश्मनी थी और जो बड़ी होती गई और
एक दिन फिर उन्होंने इससे ये बदला लेके ये जाहिर कर दिया, जग जाहिर कर दिया कि हमने ये अपनी भाई विकी मिदुखेड़ा की मौत का बदला ले लिया। जैसे दुबई और फिर कराची में बैठकर दाऊद भारत में संगीन गुनाह करता था, वैसे ही जेल से लॉरेंस हुक्म चलाता है और उसके शूटर उस हुक्म को बजाते हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ के साथ 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लॉरेंस ने अपने अगले कई टारगेट के नाम खुद बताए हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट एनआईए के सामने लॉरेंस ने कबूल किया कि फिल्म स्टार सलमान खान उसके टॉप टारगेट हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट में नंबर 2 पर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे शगुन प्रीत का नाम भी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बम्बीहा गैंग का गैंगस्टर मनदीप धालीवाल है। गैंगस्टर कौशल चौधरी लॉरेंस का टारगेट नंबर 4 है। गैंगस्टर अमित डागर 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर लॉरेंस गैंग के निशाने पर बम्बीहा गैंग का चीफ सुखप्रीत सिंह बुद्धा है। लकी पटियाल लॉरेंस की हिट लिस्ट में 7वें नंबर पर है। गौंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना का हिट लिस्ट में नाम 8वें नंबर पर है। इसके बाद भोलू शूटर सनी लेफ्टी और अनिल लट को भी लॉरेंस ठिकाने लगाने की धमकी देता है। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाकी चाहे जो हेर फेर हो, लेकिन सलमान खान का नाम हमेशा टॉप पर बना रहता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का खात्मा करवाकर लॉरेंस ने फिर से सलमान खान एंड फैमिली की धड़कनें बढ़ा दी है, लेकिन दुतारवाली गांव और बिश्नोई समाज एक शर्त पर सलमान को माफी देने को तैयार भी है, और वो शर्त है बीकानेर का ये मंदिर, जहां आकर सलमान खान के माफी मांगने पर मामले को खत्म करने का दावा भी किया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मुकाम धाम में गुरु जम्भेश्वर महाराज की समाधि स्थल पर एक मंदिर है। बिश्नोई समाज इसी मंदिर में सलमान खान से माफी मांगने की मांग करता रहा है। समाज की ओर जैसे लॉरेंस की या उसके घर पे फायरिंग हो जानी, ये जो हम समझते हैं भी जो तनाव अगर बिश्नोई समाज की ओर से है या लॉरेंस की तरफ से है, तो ये थम सकता, उसको ये बात जो है समझनी चाहिए। इन्हें बोल दिया वहाँ जाके मान ले गुरु महाराज का मंदिर है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है उसको, अगर पाप किया है तो पश्चाताप करने में क्या जाता है? उसको समझना चाहिए, अगर एक हाथ जोड़ के माफी मांगने से अगर बात खत्म हो सकती है तो उसको मांगनी चाहिए। माफी मांगने की शर्त पर सलमान खान के पिता सलीम खान की अपनी दलील है। वो माफीनामे को सलमान पर लगे आरोपों पर गुनाहों की मुहर बताते हैं। यानी डॉन अगर अपनी जिद पर अड़ा है तो फिल्म स्टार भी खुद के बेगुनाह होने का दम भर रहा है। रियल लाइफ की इस थ्रिलर स्टोरी का क्लाइमैक्स कोई नहीं जानता, लेकिन जमाना जानता है। तो बस इतना कि अगस्त 2025 तक साबरमती जेल लॉरेंस बिश्नोई का परमानेंट पता है। जेल की काल कोठरी में बैठा लॉरेंस आज के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही है।